गुड मॉर्निंग गाइस। तो इस वीडियो हम लोग जाने वाले हैं महाराष्ट्र टू उत्तर प्रदेश, कल्याण टू लखनऊ, और आने वाली जर्नी में जो भी मज़े हैं मैं आपको सब शेयर करने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल्याण स्टेशन पे। मस्त आते हैं। तो हम लोग कल्याण स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब हमारी ट्रेन आने वाली है, तो आगे का वीडियो मैं ट्रेन में दिखाता हूँ, सीट्स दिखाता हूँ, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड सूरज आने वाला है और उनकी फैमिली है, तो सबको मैं मिलवाता हूँ आपसे। तो मेरा फ्रेंड सूरज और सूरज की मम्मी सब लोग आ चुके हैं और ये जर्नी हम साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलाते हैं सूरज की मम्मी को। आंटी हाय बोलो। आंटी का भी यूट्यूब चैनल है, यम्मी मम्मी करके लिंक में डालता हूँ, सब्सक्राइब करो। रेसिपी भी है ना? हाँ, हमारे चैनल रेसिपी का है, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लो, आपको अच्छी रेसिपीज मिलेंगी। और बाकी खुशबू एंड से हाय हेलो दीपू, इसको तो आप मिल ही चुके हो दो तीन बार। चलो मिलते हैं। ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन आ गई, हमारी यही ट्रेन है, हम जाने वाले हैं। ये थर्ड टायर एसी का कुछ ऐसा वीव है जिसमें आपको तीन 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 साइड के एक से सीट मिल रहा है और दो सीट है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे टोटल कुछ छः सीट्स हैं, दो सीट हमारी नहीं है इसमें। ये कुछ चद्दर कंबल मिले हुए हैं ठंडी के लिए, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या। ट्रेन में मेरा फेवरेट सीट है जो साइड अपर होता है वही उसमें विंडो और सोने को दोनों मिल जाता है। हम लोग ने कल्याण से ट्रेन बैग पकड़ लिया है, सब ने अपने अपनी जगह प्रॉपर ले लिया है, सामान अरेंज कर दिया। कम से कम 24-25 आवर लगेंगे, तो क्या क्या करेंगे बताते हैं। अरे ये हीरो कौन है? हम सबसे पहले जो है कि अन्ना का इडली खाने वाले हैं, बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम तो बहुत एक्साइटेड थी पहले मैं, और अभी बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम बहुत सारी रील्स बनाएंगे, और सचिन भैया के चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे अच्छा कमेंट था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वीडियो में, तो इसको तीन बार सुनिए आप। चलिए, ये हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। ये हमारे यहाँ का सबसे फेमस जो अन्ना है उसके बनाए हुए इडली है, और हम लोग यहाँ पे खाने जा रहे हैं, ठीक है। थक गया हूँ अभी बैठ बैठ के मैं। 11:34 सब बैठे नीचे। मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि आपको पता है अगर आप ट्रेन में जितना सोओगे ना, आपका जो सफ़र है उतना जल्दी पूरा होता है। तो गाइस, अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, ये शिवानी का डायलॉग है। शिवानी कैसा लग रहा है? बहुत ठंडी लग रही गाइस, और मैं सोच रही हूँ ये एसी पे सेलो टेप लगा दूँ, बहुत ठंडा है। एक्चुअली एसी का कूलिंग काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से ठंडी लग रही है बच्चों को। मैं भी अभी जस्ट मूवी देख रहा था, मूवी देख के मेरा आधा थोड़ा ख़त्म हुआ, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। देखो आंटी ने सिंगदाना दिया मुझे खाने के लिए, ठंडी में सिंगदाना खाते हैं। यस, आ जाओ आप भी खा लो भैया। और बाहर का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ही अच्छा है। इंडियन रेलवे में ट्रेवल करने का यही तो एक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक्स वगैरह बनाते हैं वो सिटी से काफ़ी दूर रहता है, तो सिटीज नहीं बट बोलते ना पूरा खेत गांव यही सब दिख रहा है। हम लोग को ट्रेन में बोर हो रहा है, तो हम लोग ना बोगी में घूम रहे हैं, मैं और सूरज को जाने दो। वो B1 में रहे, ऐसे डायलॉग मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे, हम लोग बस खाली टाइम पास कर रहे हैं। मेरी सुबह कितनी मज़ा आता है ना ऐसा, यहाँ से एंड तक जाना, एंड तक से वापस आने का।
अभी हम आंटी के साथ एक नया डिश ट्राई करने वाले हैं। आंटी ने अपने हाथों से बनाया, क्या है इसका? ये बाजरी के आटे का ढकुआ, इसको बोलते हैं, मतलब बाजरी के आटे की पूरी भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, पर हम लोग ढकुआ बोलते हैं। इसमें तिल लगा के गुड़ डाल के बनाए हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। सर्दियों के मौसम में बहुत खाते हैं, चाहे बाजरी का भात हो या तो ढकुआ हो या मलीदा हो, सब खाते हैं। इसको किसके साथ खा सकते हैं? इसको ना एक महीना बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें गुड़ मिक्स है ना, तो इसमें कुछ ऐसे खा सकते, चाय के साथ भी खा सकते हो। ये गुलगुला जैसा है क्या? गुलगुला? हाँ गुलगुला नहीं, हमने गुलगुला नहीं बनाया, हमने पूरी की जैसा बनाया। ये बेसिकली मीठा होता है, इसे गुड़ और बाजरा के आटे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। पूरी के साथ इसको छानते हैं, लेकिन इसको सर्दी में इसलिए खाया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है, गुड़ भी गर्म होता है। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, सीजनल फूड भी बोल सकते हैं इसको आप ऐसे। तो जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको, अगर ये चीज़ का वीडियो का लिंक चाहिए रहेगा तो मैं नीचे डाल दूंगा। आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग भुसावल जंक्शन में आ गए और यहाँ पे केले बहुत फेमस होते हैं, तो अभी हम लोग केले खरीदने जा रहे हैं। कैसे दर्जन है भाई? भाई कैसे दर्जन है? इनको नहीं बेचना है। कैसे दर्जन है? इतना महंगा दे रहे हो, चल जान देने लेंगे। यहाँ पे भी 40 रुपये दर्जन केले हैं, जो हमारे घर के इधर भी 40 रुपये दर्जन मिलते हैं। सैया दिल में आना रे। तो गाइस, भुसावल जिसे केले का हब कहा जाता है, यहाँ पे यहाँ के किसान स्पेशली केले का ही फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर अभी जब हमने स्टेशन पे प्राइस पूछा कि केले कैसे दर्जन है, तो उन्होंने बताया कि 40 रुपये दर्जन है, जो कि हमारे घर में, घर के आसपास, मतलब उल्लासनगर सिटी या मुंबई, वहाँ पर आराम से 40 रुपये या 50 रुपये दर्जन केले मिल जाते हैं। तो इतना महंगा मैं क्यों लेने का? भूख भी नहीं लगी, अभी हम लोग का टिफिन पूरा बाकी है, अभी तक हम लोग ने खाना नहीं खाया, तो फिर ठीक है। और अच्छा है भी नहीं, 40 रुपये दर्जन है। तो आंटी ने हमारे लिए अंडे लाए खाने के लिए। आंटी कैसे बना, इसकी भी रेसिपी है अपने चैनल पे। हाँ, तो हम लोग इसका भी लिंक डालेंगे और आप लोग वीडियो देखो। और ये बहुत ही खाने में कसम बहुत अच्छा है, टेस्ट है। जस्ट देखो कितना सुंदर दिख रहा है, और जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही अच्छा है। ये है भी, ये चावल की भाकरी, चावल की भाकरी, ये भी आपने बनाया? अरे वाह, पर इसकी रेसिपी नहीं है। इसकी रेसिपी नहीं, इसकी रेसिपी बहुत ईजी है, बना के दिखा दीजिए। अभी कड़क हो गई है, अभी भाकरी भाकरी, इसको मतलब चावल की रोटी भी बोलते हैं। चावल की रोटी है, महाराष्ट्र में भाकरी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में इनको भाकरी बोलते हैं, चावल की रोटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग वी आर गोइंग टू फिनिश इट। ओके, अभी हम लोग अंताक्षरी खेलने जा रहे हैं। हमारी टीम में मैं और सूरज, और ये भी ये लड़का नहीं खेलेगा हमारे साथ। आंटी वन मैन शो है, अकेले जीत जाएंगे। और खुशबू खेल रही है, कौन जीतता है कौन हारता है, कौन जीतता है कौन हारता है। यस, चलो लसे का वाला से लसे, ये नहीं बोला शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु। हाँ हाँ, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। माँ से बोलो, माँ से मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे ये पकड़े भैया, तंग मुझे करता है। मैं हुई नहीं है तो मम्मी को हिंट बोल दे रही हूँ। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या करूं क्या कहूं कुछ जाने ना, दिल तेरा दीवाना है। आगे नहीं बोलू, बस बोल दिल तेरा दीवाना ना से ना। लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, इसका इसका लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। हाँ हाँ, हाँ से हाँ से हाँ से, बढ़िया, चाय चाय चाय। हम तो तेरे आशिक सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक तुम ही हो,
अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग का अंताक्षरी चालू था, इसमें सचिन जीत गए और हम विनर इज देयर, हम हार गए, मतलब गाने से हार गए। बाकी ये लीजिए आपका इनाम, माँ कभी हारती नहीं है, माँ हार की जीत जाती है। सचिन का इनाम माँ की तरफ से पानी का बॉटल। चलो ये अच्छा है थोड़ा आज के लिए, तो फिलहाल अभी हम सब सोने जाएंगे, सोने के बाद सुबह दिखते हैं आपको, लखनऊ में मिलते हैं। गाइस अभी टाइमिंग हुआ है कितना बज रहा है, 7:37 और ऑलमोस्ट 12 आवर होने वाला है। हम लोग सुबह 9 बजे बैठे हैं, 7:30 हो रहे हैं। ट्रेन में जो बोलते हैं ना, मूवी देखना, घूमना, सब खाना खाना, ये सब करने के बाद अब सोने का टाइम आया है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग 9 बजे हम लोग को ट्रेन ये उतार देगी, तो बस अब सोना ही बाकी है। थोड़ा बोर हो रहा है बट मज़ा भी बहुत आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। तो हम लोग फिलहाल कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं और कितना घंटा हो गया, 9 बजे बैठे हैं, मतलब 3 घंटा और होगा तो शायद 24 घंटा हो जाएगा, बट 7:30 बजे कानपुर उतार देगी, सॉरी लखनऊ उतार देगी। सुबह ठंडी लग रही क्या? अभी तो इतने ठंडे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ देर तक इस माहौल में रहने के बाद ठंड लगेगी। एक्चुअली ठंडी है, हवा नहीं आने की वजह से ठंडी नहीं लग रही है। यूपी में पहुंच के जो अलग ही आता है ना वाइब्स, चालू हो गई है। ये पुष्पक एक्सप्रेस है जो चलने के पहले ना हॉर्न नहीं देती है, ऐसी अजीब ट्रेन है और चल देती है, बोलती नहीं मैं जा रही हूँ। सो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं लखनऊ स्टेशन, नवाबों का शहर। तो हाउस द जोश गाइस, थोड़ा लो है बट हाय। नहीं चाय की कमी है, चाय की कमी। हाउस द जोश, हाय हाउस द जोश, हाय सर। हाँ तो अभी नीचे उतर के नाश्ता करेंगे, फिर देखेंगे जोश कितना है। फिलहाल भूख लगी है, चाय चाहिए, और नवाब बनने के लिए चाय की जरूरत है। ओ फाइनली 24 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग लखनऊ स्टेशन उतर चुके हैं। गाइस हाउ इज द जोश नाउ? ठंडी ठंडी लग रही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सूरज ठंडी लग रहा है? ठंडी किसी को भी नहीं लग रहा है। चलो निकलते हैं, अभी बाहर जाते हैं और चाय नाश्ता जो भी है वो करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस का सफर हमारा यहाँ तक ही था। अभी ये कौन सा इंजन, एक्चुअली मेरे को इस इंजन का मॉडल नंबर दे, WAP-7, काफ़ी पुराना इंजन है बट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है। कल्याण टू लखनऊ नवाबों का शहर का जर्नी ख़त्म हुआ, तो चलो सब बाय बोलो, बाय।